इस क्वेश्चन में आपको दो पोलर कर्व्स गिवन है, एक है आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा और दूसरा है आर इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, और आपसे कह रहे हैं कि आपने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो दो इन कर्व्स के इंटरसेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर को आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा को स्केच कैसे करते हैं। तो हमारे पास सर्कल बनता है, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 का सेंटर्ड एट 0 एंड 1, जो कि ये ब्लैक कलर में ड्रॉ हुआ हुआ है। इसी तरह दूसरी कर्व जो है पोलर कर्व, वो है 2 sin 2 थीटा, जो कि एक रोज बनता है 4 पेटल्स का, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये रेड कलर में और ये आपका रोज बन जाता है। तो ये आपने सीख लिया होगा कैसे इसको इनको ड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, कहाँ कहाँ इनका इंटरसेक्शन है। तो एक यहाँ पे, एक इस पॉइंट के ऊपर और एक ओरिजिन के ऊपर। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको फाइंड कैसे करना है मैथमेटिकली। ये देखें, ये भी आर इक्वल टू समथिंग और ये भी आर इक्वल टू समथिंग। अगर इस आर की जगह में इसकी वैल्यू लिख दूं 2 sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 sin थीटा। अब ये जो 2 है, दोनों साइड पर 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। आप साइड स्विच भी कर सकते हैं, इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। इसके अलावा sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, और ये sin थीटा एज इट इज आ जाता है। यूजुअली लोग इस साइन को इस साइन के साथ काट देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। आप इस साइन को दोनों साइड पे साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, या इस वाले साइन थीटा को लेफ्ट साइड पे लेके आए। अब दोनों में साइन थीटा कॉमन है, ये बन जाएगा कॉस 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब जो नेक्स्ट चीज है, ये साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा कहाँ कहाँ पे 0 होता है, साइन अगर थीटा 0 तो जब 0 आएगा, अगर थीटा पाई हो तो 0 होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इंटरसेक्शन सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में आ रहा है, तो मैक्सिमम थीटा हमारे पास पाई तक ही जा सकता है। ठीक है, देखिए इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल थीटा कितना होता है, पाई। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 2 cos थीटा, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाए या दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें, अब दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 over 2। अब cos थीटा कौन से थीटा के लिए 1 over 2 आता है, तो वो हमारे पास पाई बाई 3। इसी तरह माइनस पाई बाई 3, इसी तरह 2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें कौन से वाले चाहिए, ये जो माइनस पाई बाई 3 है, क्योंकि हम नेगेटिव में तो आ नहीं रहे, इंटरसेक्शन सिर्फ ऊपर वाले में हो रहा है, तो एक ये पाई बाई हो गया हमारे पास, ये पाई बाई 3 है, और ये वाला क्या है, ये 2 पाई बाई 3 है। अब ये 2 पाई बाई 3 कैसे आता है, ठीक है, कि ये टोटल हमारे पास ये क्या है, पाई बाय 3, और ये उसका एग्जैक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो इसके साथ अगर हम ऐड कर दें पाई बाय 2, सॉरी, ये टोटल हमारे पास क्या है, 90। मैं अब इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, तो
इसके लिए हमारे पास ये क्या है 90, और इसके साथ हमने कौन सा ऐड करना है ये वाला, तो ये कौन सा एंगल है, ये है पाई बाय 6। ये अब ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, 4 पाई बाय 6, विच गिव्स अस 2 पाई बाय 3। तो हमारे पास थीटा जो है जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, एक वो 0 है, दूसरा 5/3 और तीसरा पॉइंट है 2π/3। तो ये तीन हमारे पास थीटा की वैल्यूज हैं। अब इसके अगेंस्ट हमने आर की वैल्यूज निकालनी है, तो आप आर कोई से भी ले लें। अगर हम साइन थीटा वाला आर लें, तो जब थीटा 0 है तो 2 sin 0 इज 0। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर r इज 2 और साइन इज 5/3, तो 2 टाइम्स sin π/3 इसके इक्वल होता है √2/3। हमारे पास ये कैंसिल हो के आंसर क्या आएगा, √3। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास जब r हमारे पास √3 है, तो उस वक्त थीटा हमारे पास क्या है 5/3। आर थीटा ये पॉइंट्स होते हैं, तो ये आर आ गया और ये थीटा। अब नेक्स्ट थीटा हमारे पास कौन सा है 2π/3। थीटा इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू 2 sin 2π/3। इसको हम कैलकुलेट कर दें, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा √2 cancels with 2, हमारे पास ये भी आता है √3। सो √3 इज द रेडियस जब 2π/3 ये वाले पॉइंट।